जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी बेहद ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखें, रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो उसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए झटपट बनाते हैं बिना दूध बिना मावा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाजर का हलवा। आज हम बना रहे हैं 1 किलो गाजर का हलवा। तो गाजर को अच्छी तरीके से धो लें, गाजर को धोना बहुत ज़रूरी है, अगर उसमें थोड़ी सी भी मिट्टी रह जाती तो आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से 3 से 4 बार पानी से अच्छे तरीके से गाजर को धो ले, फिर छील ले। छीलने के बाद इस तरीके से कद्दूकस कर ले। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा कुकर में, बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है। तो कुकर में यहाँ पे हम डाल लेंगे गाजर जो हमने ग्रेट किया था, साथ ही डालेंगे 1 कप ताज़ा मलाई। ये घर की ताज़ा मलाई है, आप इसे डालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपका गाजर का हलवा बनेगा। तो इस तरीके से सारे गाजर में एक बार हम अच्छे से मिला देंगे और बिना पानी डाले हमें इन्हें पकाना है। तो सबको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद गैस ऑन कर देंगे और गैस स्लो कर देंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद कर देने के बाद सीटी लगाएंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे या फिर स्लो पे, जैसे कि वो जले ना, और 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गैस तेज नहीं करना है और यहाँ पर 2 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। तो ये 1 सीटी हो गई और ये 2 सीटी बस, अभी हमें तुरंत गैस बंद कर देना है और जब सीटी की भाप अच्छे से निकल जाए उसके बाद हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। और ये देखिए हमारा गाजर बहुत अच्छे तरीके से पक गया है, आप इस तरीके से देख लें या हाथों से भी दबा करके देख लें कि गाजर पकी है कि नहीं। बस 1 से 2 सीटी में गाजर अच्छे तरीके से पक जाती है। तो गैस ऑन करेंगे और इधर हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो ये ब्राउन शुगर है, आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद वाली चीनी जो नॉर्मल मिलती है उसे आप डालें। तो यहाँ पे आज हमने डाला है 1 कप ब्राउन शुगर। सबको मिलाएंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और ये देख रहे हैं ना जो इतने पानी हैं, तो इनको हमें सबको सुखाना है। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और सबको लगातार चलाते रहेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी हो, झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला है ना ही मावा डाला है, फिर भी ये बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अब आपको गाजर का हलवा बनाने के लिए घंटों की मेहनत नहीं चाहिए, बस आप कुकर में इस तरीके से बनाएंगे तो झटपट बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ली है 5 इलायची और इन्हें दरदरा कूट लिया है, साथ ही छिलके के साथ इसमें हम डालेंगे। तो छिलके का जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो जब आप इस तरीके से गाजर के हलवे में इलायची कूट के डालते हैं साथ ही छिलके ना, तो बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपका गाजर का हलवा बनता है। तो सबको हम मिलाते रहेंगे इसी तरीके से और पानी जब तक अच्छी तरीके से सूख ना जाए तब तक हमें इसी तरीके से चलाना है। और ये देखिए लगभग यहाँ पे पानी अच्छी तरीके से सूख गया है और गाजर का हलवा हमारा इंस्टेंट बन करके तैयार है। तो बस अभी हमें क्या करना है, इसे दूसरे गैस पे रखेंगे और यहाँ पे हमें तड़का तैयार करेंगे। तो एक छोटा सा पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे मेवा। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू बादाम किशमिश जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं बादाम। तो थोड़ा सा यहाँ पे काजू लिया है और बादाम लिया है, तो 3 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है बादाम और 1 चम्मच काजू, इन्हें हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। तो बस जैसे ही घी गर्म हो जाता है ड्राई फ्रूट डालेंगे और सिर्फ 30 सेकेंड तक हमें इसे घी में इसी तरीके से पका लेना है। और जैसे 30 सेकंड हो जाते हैं ना बस इसे हमें तुरंत गाजर के हलवे के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें घी और ड्राई फ्रूट को पकाना नहीं तो वो जल जाएंगे। बस सबको अच्छी तरीके से मिला दे और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार है। देख रहे हैं ना आप, इस चीज़ का ध्यान दें कि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे, देख रहे ना बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं है गाजर का। तो बस यही पहचान है कि आपका गाजर का हलवा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन करके तैयार हो चुका है। बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। कम चीज़ों से ही आप इस तरीके से स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाएं, खाएं और खिलाएं। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो उसे शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाजू में बेल आइकन है उसे भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा खाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हम गाजर के हलवे को बाउल में निकालेंगे और ऊपर से आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे सजा दें
और फिर आप इसे खिलाएं और खाएं। गाजर के हलवे की रेसिपी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना। जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।